कश्मीर में सीज फायर की मियाद और बढ़ सकती है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि घाटी में हालात अगर ठीक रहे तो आतंकियों के खिलाफ सीज फायर जारी रह सकता है। हम लोग तो चाहते हैं कि सरहद पर अमन शांति बहाल की जाए, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर वायलेशन होता रहता है, जिससे कि जान मान का नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। अगर वहाँ से सीज फायर वायलेशन होगा तो जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से भी होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई में अगर अमन शांति चाहता है तो हम सबसे पहले पहल उनकी ओर से चाहेंगे कि उनकी तरफ से हो, और पहल किस तरीके से हो कि जो वहाँ से जो आतंकी घुसपैठ करके कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इस घुसपैठ को रोका जाए। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मेजर लिटिल गोगोई पर भी सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर गलती की है तो उसके खिलाफ सेना सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो मेजर गोगोई को लेकर भी यहां पर आर्मी चीफ ने कड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, इससे पहले आर्मी चीफ ने लिटिल गोगोई को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, दरअसल ये घटना का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि विवाद में फंसे हैं मेजर लिटिल गोगोई, जिसमें एक होटल में एक लड़की के साथ जाने को लेकर उन पर कुछ आरोप हैं, जिसे लेकर उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन इन आरोपों के बाद जब सवाल आर्मी चीफ से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर वो गलत पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो कार्रवाई उन पर जरूर होगी। हिंदुस्तान आर्मी का कोई भी अहदेदार हो, किसी भी अहदे पर हो, अगर वो कोई गलत कार्रवाई करता है, और हमारे नजर में ये आता है कि किसी ने भी अगर कोई गलत कार्रवाई करी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मेजर गोगोई ने कोई गलत कार्रवाई करी है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जल्द से जल्द उसको सजा दी जाएगी, और सजा ऐसी दूंगा मैं कि वो एक उदाहरण बन के रह जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।